सो हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि प्रोफेशनल बैंजो की झाला पट्टी कैसे बनाए, वो भी घर पर। तो दोस्तों, जैसे कि देख सकते हो कि हमारे बैंजो में ये चार झाला होती है, वहाँ पे एक ब्रिज है, ठीक उसके पीछे ही हमारे चार झाला पट्टी लगी होती है कुछ इस प्रकार से। तो आज के वीडियो में हम यही बनाने वाले है। तो दोस्तों, झाला पट्टी बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल कट करके लेना है। जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारी ये पहली ड्राइंग है, उसमें कि इसका मेजरमेंट है, इसकी लंबाई है 4 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई है 1 सेंटीमीटर। ये साइज़ के हमें 4 पीस चाहिए। तो इस जैसे कि आप देख सकते हो कि हमने पहले से ही एक कट करके रखा है, जिसकी लंबाई है 4 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई है 1 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार की हमें 4 पीस चाहिए। इस वीडियो में हम आपको एक ही बना के दिखाएंगे, उसी प्रकार से आपको 4 पीस बनाने हैं, क्योंकि बैंजो के झाला 4 होते हैं। या फिर आप 5 बनाना चाहते हो तो 5 भी बना सकते हो। तो सबसे पहले हमें ये कट करके लेना है 4 पीस। तो दोस्तों, पट्टी को कटिंग करने के बाद अभी हम आते हैं इसके मार्किंग पे। तो जैसे कि आप दोस्तों देख सकते हो कि दूसरे ड्राइंग में हमें बताया कि इस पट्टी को यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर की एक सीधी लाइन खींचनी है, जिससे कि हमारा ये वाला मेजरमेंट है 3 सेंटीमीटर आ जाए। तो हमें क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमें 1 सेंटीमीटर की मार्किंग करनी है। तो अभी हम मार्किंग करके बताते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने दूसरे ड्राइंग में जैसे बताया गया है कि यहाँ पे हमें 1 सेंटीमीटर की मार्किंग करनी है, ठीक इसी प्रकार से 1 सेंटीमीटर की हमने मार्किंग कर ली है। उसके बाद दोस्तों, हम आते हैं तीसरे वाले ड्राइंग पे, जिसमें कि ये देख सकते हो कि यहाँ पे हमने मार्किंग की है 2 होल के लिए। तो आप अपने अंदाजे से यहाँ पे आप होल के लिए मार्किंग कर सकते हो। कुछ इस प्रकार से हमने अपने अंदाजे से मार्किंग की है ये 2 होल के लिए। उसके बाद दोस्तों, हमें होल मार के लेना है। तो अभी हम इसमें ड्रिल करेंगे। तो दोस्तों, अभी हम दिए हुए मार्किंग पे अभी होल करेंगे। तो दोस्तों, देख सकते हो कि यहाँ पे हमने ड्रिल कर दिया है। तो दोस्तों, ड्रिल करने के बाद अब हम आते हैं हमारे चौथे वाले ड्राइंग पे। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक छोटी सी मार्किंग है। तो हमें सिंपली जो ये 2 होल किए हैं, आप देख सकते हो ये जो 2 होल है, उसके ठीक पीछे हमें थोड़ी सी ऐसा एक ये मार्किंग करनी है, कट करना है यहाँ पे। तो ये कट किस लिए होता है, जिससे कि हमारे जो बैंजो की जो तार है वो इसमें फंसा कर हम चाबी में टाइट कर सके। फिर उसके बाद दोस्तों, आते हैं इसके अगले वाले भाग पे। तो इसमें देख सकते हो कि ये कुछ ऐसा ट्रायंगल जैसा कट करना है हमें, जिससे कि आप देख सकते हो कि ये वाले भाग हमें 2 कट कर देने हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हमें ट्रायंगल निकालना है और ये वाले भाग कट कर देने हैं। तो अभी हम कट करके दिखाते हैं। तो दोस्तों, जहाँ पे हमने ट्रायंगल जैसी मार्किंग की है वो अभी हम कट करेंगे। तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने मार्किंग की थी। तो दोस्तों, अभी आप देख सकते हो कि कुछ इस प्रकार से हमारी झाला पट्टी हो गई है। अभी आपको हमने बताया था कि यहाँ पे पिछले वाले भाग में मार्किंग करके कट लगाना है, तो अभी हम ये वाला भी आधा ही कट करेंगे। अभी आपको दिखाए कुछ इस प्रकार से हमें आधा कट करके लेना है, जिससे कि जब हम इसमें जब बैंजो की तार टाइट करेंगे तो कुछ इसमें फंस कर ये चाबी में टाइट हो सके। तो उसके बाद दोस्तों, कट करने के बाद हमें इसको जहाँ पे हमने मार्किंग की है वहाँ से हमें बेंड करना है। तो अभी हम बेंड करेंगे इसको। तो दोस्तों, पकड़ की मदद से हमें कुछ इस प्रकार से बेंड करना है, आप देख सकते हो।
फिर उसके बाद दोस्तों जहाँ पे हमने ये कट लगाया था उसको भी ठीक कुछ इस प्रकार से हमें थोड़ा सा ऊपर लेना है, जिससे कि जब हम झाला पट्टी की तार टाइट करेंगे, मतलब झाला की जब तार टाइट करेंगे, जब तार जो होगी यहाँ से होकर यहाँ पे आएगी, जिससे कि हमारी जो तार है वो यहाँ से फिसले ना, इसके लिए ये कट लगाया होता है बेंड करके। तो दोस्तों बेंड करने के बाद हमें कुछ ठीक झाला के ये जो ट्रायंगल है उसके बीचों बीच कट लगाना है, जिससे कि हमारी थोड़ी सी तार यहाँ वहाँ से निकले ना, जो कि फंस सके यहाँ पे। तो अभी हम कट करके दिखाते हैं। तो दोस्तों ठीक इसी प्रकार से आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने बारीक कट मारा, जिससे कि हमारी तार थोड़ी सी फंस सके यहाँ पे। तो दोस्तों कुछ इसी प्रकार से हमें चार झाला पट्टी बनानी है हमारे प्रोफेशनल बैंजो के लिए।